करता हूँ मेरे अपना इंटरप्राइजेज में आप लोगों का। दोस्तों आज हम बात करेंगे अलग अलग टाइप की मशीनों की और कि मशीनों की प्राइस की और मशीनों के वर्क की कि मशीन की क्या प्राइस होगी और उससे क्या क्या काम हम कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर बहुत सारी अलग अलग टाइप की मशीनें शो हो रही होगी, देख सकते हैं इस टाइप की मशीनें। आपका जो भी बजट है, जिस भी बजट में आप एक छोटा सा बिजनेस करना चाहते हैं, हमसे जुड़ के बिजनेस कर सकते हैं आप, वो भी कम पूंजी में। आप चाहे तो जो बिजनेस है, बिजनेस आप 5,000 से लेके 50,000 तक का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं हमसे जुड़ के। हमारे पास मशीन आपको 5,000 से लेके 50,000 तक की मशीनें मिल जाएगी। मशीनें ऐसी जो आप अपने घर के किसी भी कोने में लगा सकते हैं, आपको कहीं भी बाहर जगह लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर के किसी भी कोने में घर की बिजली से ये मशीनें चला सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक छोटा सा बिजनेस करना चाहते हैं कम पूंजी में और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए ही है। ये बिजनेस ऐसा है जो आपको साल के 12 महीना कमा के देगा पैसा। ऐसा नहीं है कि ये एक महीना चलेगा या सीजन पे चलेगा, ये साल के 12 महीना चलता है। आपको दिख रही होगी अलग अलग टाइप की मशीनें आपके इस पर शो रही होगी। आपको जिस भी टाइप की मशीनें चाहिए हमसे आप जुड़ के आप काम हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों बात करूँ कि ये बिजनेस क्या है, कैसा है, तो मैं आपको बता दूँ जो हम जो भी बिजनेस लेके आते हैं वो पैकेजिंग बिजनेस लेके आते हैं और उसके बारे में ही इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं हम। अगर आपको किसी भी टाइप की पैकेजिंग मशीन चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा दोस्तों। तो चलिए हम अपने वीडियो को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हुए, हेलो दोस्तों जैसा कि मैं आपको इस मशीन का डेमो दिखाऊँगा, आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने पेपर शीट ले लिया है। पेपर शीट लेने के बाद हमें आपको आज 2-in-1 पैक करके दिखाऊंगा। बेसिकली इसके अंदर इस तरीके से ब्लिस्टर आता है जो दो अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है, और उसके बाद ये स्क्रबर होता है, ये ग्रीन पैड होता है। हम इन दोनों को साथ में कॉम्बो बोलते हैं। काफ़ी मार्केट में नया प्रोडक्ट है, चलने वाला प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से हमें वाटी के अंदर डाल देना है और इस तरीके से हमने स्क्रबर ले लिया। स्क्रबर को हम इस तरह से स्ट्रेच करके अंदर डाल देंगे। ग्रीन पैड है, ग्रीन पैड को हमने डाल दिया। इस तरीके से मैंने डाई रेडी कर दी है, मशीन चालू कर दी है। ये जो मशीन है हमारी, ये डिजिटल टाइमर सेंसर मशीन होती है। इस तरीके से मैंने पेपर ले लिया है। मैं आपको इसके साथ ही गर्म मसाला भी पैक करके दिखाऊंगा किस तरीके से पैक किया जाता है। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे इस तरीके से हमें ले लेना है और डाई में हमें पेपर को सेट कर देना है, ठीक है। ये हमने सेट कर दिया। सेट करने के बाद हमें इस तरीके से इसको मशीन के अंदर डालना है और हमें इसके अंदर मैंने 60 सेकंड का टाइम सेट किया है। हम इसको 5 सेकंड कर देंगे क्योंकि 60 सेकंड बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। 5 सेकंड मैंने इसके अंदर टाइमिंग किया है। उसके बाद हम इसे प्रेस करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। जैसी 5 हो जाएगा अब हमें छोड़ देना है। एक कपड़ा लेके हल्का सा इस पर इस तरीके से प्रेस कर देना है। आप देख सकते हैं आपके सामने ये आपका माल बनके रेडी है। क्वालिटी फिनिशिंग मैं आपके सामने दिखाना चाहूँगा। आप ये क्वालिटी फिनिशिंग दे सकते हैं। इस तरीके से आपको हमारे पास से जो पेपर है बहुत ही अच्छे क्वालिटी का मिलता है, ठीक है। इसके अलावा भी मैं आपको एक गरम मसाला पैक करके दिखाऊँगा। ये डाई है, हम डाई हटा देंगे। हमने इस तरीके से मसाला की डाई ले ली है। इसके अंदर हमने मसाला फिल कर दिया। फिल करने के बाद देख सकते हैं, आपको शायद स्क्रीन पर दिखा दूँ आपको। इस तरीके से हमने डाई ले लिया, डाई के अंदर मसाला फिल कर दिया। आप इसके अंदर चाहे तो गरम मसाला, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप बड़े इजीली पैक करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये मैंने पेपर शीट ले ली। पेपर शीट को एक बार हम अच्छे से क्लीन कर देंगे कि इस पर किसी तरीके की डस्ट ना जमी हो, ठीक है। इसको हम लोग अपने डाई के अकॉर्डिंग सेट कर देंगे। ये मैंने पेपर को सेट कर दिया। अगेन हमें कुछ नहीं करना होता, ये स्लाइडर है, स्लाइडर को अंदर हम पुश करेंगे। पुश करने के बाद हमें इसको बस 1, 2, 3, 4, 5 ये हमने इसको इस तरीके से प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद हम इस पर एक अच्छा सा कपड़ा मार देंगे। उसके बाद आपके सामने ये आपका मसाला पैकिंग होके रेडी है। आप देख सकते हैं क्वालिटी फिनिशिंग दे सकते हैं। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम आती है कि मसाला एक से दूसरे में चले जाता है। आप देख सकते हो इस तरीके से आप हमारी मशीन से पैक करोगे तो ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। दोस्तों
दोस्तों, तो इस तरीके की मशीन अगर आपको चाहिए हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा मुंबई ब्रांच में ऑफिस है, हमारा दिल्ली ब्रांच है, हमारा बिहार ब्रांच है। आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, इस तरीके की पैकिंग मशीन, इसके अलावा हमारे पास पाउच पैकिंग मशीन भी आती है जिसका मटेरियल आपको दिख रहा होगा। ऐसे बहुत से अलग अलग पाउच में हमारे पास 100 से प्लस कैटेगरी है। जिस भी टाइप का ट्रांसपेरेंट पाउच चाहिए हो, लड़ी पाउच चाहिए हो, या फिर आपको अगर इस ब्लिस्टर में जाना है तो गर्म मसाले के लिए, ड्राई फ्रूट के लिए, जिस भी चीज़ के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए आप हमें एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मशीन और रॉ मटेरियल हमारे पास से आपको बेस्ट प्राइस में मिलता है, वो भी आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मैसेज करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।